केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुके हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। राजनीतिक दल इस बजट पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023-24 को लोक कल्याणकारी बताते हुए उसकी काफ़ी सराहना की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि हर वर्ग की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले केंद्रीय बजट का स्वागत किया, साथ ही सर्व समाज के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिनंदन किया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये बजट निसंदेह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है और 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत करता हूँ। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है।